तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तार के इंडिया यूट्यूब चैनल में फिर से एक लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक या दो दिन पहले कृषि इनपुट अनुदान का वेबसाइट जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, यानी एरर दिखला रहा था। बहुत से लोगों का आवेदन अभी तक बाकी है, जो बहुत से किसान आवेदन नहीं कर पाए तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से। ऐसे में कृषि विभाग के तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट देखने को मिल रहा है। आप लोग आवेदन का डेट जो रखा गया है यानी 20 नवंबर 2021 तक रखा गया था, लेकिन बहुत से किसान तो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम था, एरर दिखला रहा था जब भी आवेदन करने जाते थे। तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए बिहार कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट निकाला गया, यानी जो आखिरी डेट 20 तक था इसी को बढ़ाकर यानी कब से कब तक कर दिया गया है, यानी अब और आपको समय दिया गया है एरर को देखते हुए। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, आपको नोटिस पढ़कर दिखलाएंगे जो कि बिहार कृषि विभाग तरफ से जारी किया गया है नोटिस। उसमें साफ साफ बताया गया आप आखिरी डेट अब कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए कर देते हम वीडियो का स्टार्ट। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो दिखलाई दे रहा है टेम्पलेट देख सकते हैं, बिहार सरकार बिहार कृषि निदेशालय बिहार का, ठीक है। किसान भाई एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या पीआर नंबर इतना दिया गया, एग्रीकल्चर डिवीजन 21/22 द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु दिनांक 5/11/2021 से 20/11/2021 तक आवेदन का परस्पर हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, यानी जो कि पहले से आवेदन 5/11 से लेकर 20/11 तक आवेदन लेना था। पुनः विज्ञापन संख्या पीआर नंबर इतना दिया, एग्रीकल्चर 2021/22 द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि 7/11/2021 से 20/11/2021 तक निर्धारित की गई थी, यानी जो भी आवेदन लेना था 20 तारीख तक ही लेना था, 20 नवंबर तक लेना था। समयक विचारोपरतन कृषि हित में कृषि इनपुट अनुदान के लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 25/11/2021 तक विस्तारित की जाएगी, यानी जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, एरर आ रहा था, उसी को देखते हुए कृषि विभाग ने तरह से 25/11 यानी 25 नवंबर तक ये आवेदन बढ़ा दिया, यानी 5 दिन और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 25/11/2021 आपको दिखलाई दे रहा है, यहाँ से 25/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई एवं बहनों की अवगत करना है कि खरीफ 2021 में बाढ़ अवशिष्ट एवं प्रतिभूमि के कारण हुई क्षति के कृषि विभाग वेबसाइट पर दिए गए लिंक डेबिट के एग्रीकल्चर या एसटीपी पर आवेदन कर सकते हैं, यानी 25/11/2021 तक आवेदन कर, यानी देख सकते हैं 5 दिन और बढ़ा दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दिए, और चैनल पर बनाया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। यहाँ से देख सकते हैं जो आखिरी डेट बढ़ाया गया है यानी 25 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।